नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं सूर्य के गोचर के बारे में, जो कि 14 जनवरी 2018 को धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण के सूर्य हो जाएंगे और 13 फरवरी 2018 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए अब तक सूर्य उनके छठे भाव में गोचर कर रहे थे, अब वो छठा भाव छोड़ करके उनके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बोला, सूर्य एक एनर्जेटिक प्लेनेट तो है ही, इसके अलावा जिस घर में भी वो बैठते हैं उस घर के सुखों में थोड़ी कमी भी लाते हैं, क्योंकि वो एक गर्म प्लेनेट भी है। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है उनके सप्तम स्थान में गोचर करेगा तो हस्बैंड वाइफ क्लैशेस होने की थोड़ी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि सातवां स्थान आपके स्पाउस का है। यदि आप फीमेल हैं तो ये आपके हस्बैंड का हाउस है, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी वाइफ का हाउस है। तो दोस्तों, क्या स्पाउस हाउस होने के कारण कुछ थोड़े बहुत क्लैशेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है थोड़ा सा राजा प्लैनेट होने के कारण थोड़ा सा घमंडी भी बनाता है और एनर्जेटिक ज्यादा कर देता है। तो वो क्या होता है, वो एनर्जी कई बार ओवर हो जाती है एनर्जी, तो वो गुस्से का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस बन जाते हैं। तो जितने भी कर्क राशि के लोग हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं आपस में हस्बैंड वाइफ में, तो कृपया उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें, तो ही उनके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि सेवंथ हाउस डेली इनकम का भी होता है, तो ऐसे में क्या, क्योंकि सूर्य सरकार का प्रतीक है, डेली इनकम थोड़ी बहुत कम तो रह सकती है, यानी मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां पर मैंने 10,000 रुपीज कमाने हैं तो आपको 6-7 हजार में ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी सूर्य की वजह से वो कम हो जाएगा। परंतु क्या है, क्योंकि सूर्य सरकार का प्रतीक है तो कुछ लाभ आपको सरकार की तरफ से भी मिल सकते हैं, यानी अगर आपका कोई सरकार से रिलेटेड कोई काम है तो उस कुछ रुका हुआ था, तो अब वो डेली इनकम के रूप में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड भी काम बन सकता है, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम या उसकी भी कुछ कोशिश करें तो उसमें भी कुछ संभावनाएं उनके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा जितने भी जो कर्क राशि के जातक हैं, अगर सिर्फ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से थोड़ा सा नाराजगी से दूर रहे, मतलब किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं उलझेंगे, तो देखेंगे सूर्य का फल और भी बेटर होता चला जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अगर संबंध अच्छे रखेंगे तो वो और भी बेटर होता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो है ना महादशा अंतरदशा, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, वही काम कर रही होती है, बाद में हम ये छोटे गोचर को हम मानते हैं। अगर पहले से आपकी कुंडली अच्छी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर पहले से कुंडली थोड़ी सी खराब चल रही है, यानी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कुछ ट्रबल चल रही है, तो थोड़ी ट्रबल आ सकती है। परंतु फिर भी जैसा मैंने बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जो है केवल सूर्य को रेगुलर जल दीजिए, ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करते चले जाएंगे, ये भी आपको काफी हेल्प करेगा, और सूर्य को अगर आप जल देते चले जाएंगे तो और भी बेटर होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं कर्क राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।